अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की 54वीं कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक झारखंड के टाटानगर में संपन्न हुई। इस बैठक में कुशवाहा समाज के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें आगामी लोकसभा चुनाव में महासभा की तरफ से समाज के उम्मीदवारों को खड़ा करने जैसा महत्वपूर्ण फैसला भी शामिल है। कुशवाहा महासभा की इस बैठक की अध्यक्षता महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा राकेश महतो ने की और संचालन महासभा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव विनोद कुशवंशी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष कुशवाहा राकेश महतो ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि बिना सत्ता में भागीदारी के समाज का विकास नहीं हो सकता, इसीलिए आगामी लोकसभा चुनाव में कुशवाहा महासभा सक्रियता से भाग लेगी। और इतनी बड़ी आबादी लोगों ने नेतृत्व नहीं होने के चलते हमारा समाज में नेतृत्व की कमी है, नेतृत्व नहीं होने के चलते नाजायज फायदा उठा रहा है। बैठक में फैसला किया गया कि अगर कुशवाहा समाज की प्रभावी मौजूदगी वाली लोकसभा सीटों पर किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दल की तरफ से कुशवाहा समाज के व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो वहां से महासभा की ओर से समाज का उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, ऐसे प्रत्याशी नहीं आते तो हमने कहा प्रस्ताव आता है इस पर चर्चा करने की भी बात थी। प्रस्ताव लाता हूं कि पूरे देश अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा अपना स्वयं प्रत्याशी खड़ा करेगा पूरे लोकसभा क्षेत्र। कुशवाहा महासभा की बैठक में पास प्रस्तावों में ये भी मांग की गई कि महागठबंधन की तरफ से झारखंड की हजारीबाग लोकसभा सीट पर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा राकेश महतो को महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया जाए। सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण की चर्चा करते हुए मांग की गई कि देश में आबादी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए और जो वर्ग जितना है उसे उसकी संख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए। इस बैठक में समाज के लोगों से अपील की गई कि वो अपना अधिकार पाने के लिए एकजुट हों और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए अपनी सक्रियता बढ़ाएं। कुल मिलाकर अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की इस बैठक के बाद कह सकते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में समाज की पूरी भागीदारी के लिए महासभा ने कमर कस ली है। महासभा के फैसलों से राजनीतिक दलों पर भी दबाव बढ़ गया है कि वो समाज के लोगों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दें। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस बार जितनी भी